Hello everybody, I hope you all are doing great. And hey, happy Holi, aaj Holi hai, how can I forget? So happy Holi to all of you. May this Holi brings lot of joy and prosperity in your life. And moving on to the video now. आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैबुलर नोटेशंस, जिन्हें टैब्स भी कहा जाता है. तो एक्चुअली टैब्स को सीखना अच्छा भी है, बुरा भी है. क्यों? लेट मी एक्सप्लेन. अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है तो आप टैब्स को पढ़ के गाना बजा सकते हो. दैट इज अ गुड थिंग अबाउट टैब्स, कि आपको म्यूजिक थ्योरी पढ़ने में और समझने में टाइम नहीं देना पड़ता. आप सीधा टैब्स रीड करके कोई भी गाना सीख सकते हो और बजा सकते हो. बट टैब्स जो है वो गाने के रिदम एक्सप्लेन नहीं करते. तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर आपको गाने की धुन नहीं पता है तो टैब्स को पढ़ के बजाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा कि गाने की धुन क्या है या रिदम क्या है. आई वुड रेकमेंड कि आप म्यूजिक थ्योरी सीखो. टैब्स इज गुड एज अ बिगिनर, बट एज यू इवॉल्व यू शुड लर्न म्यूजिक थ्योरी. दैट्स लाइक माई पर्सनल ओपिनियन. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूकुलेले पे फोकस कर रहे हैं, तो हम यूकुलेले के लिए ही टैब्स सीखेंगे. तो यूकुलेले के टैब्स जो है वो नॉर्मली 4 लाइन में डिनोट किए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सबसे ऊपर वाला जो लाइन है दैट इज फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ योर यूकुलेले, विच इज ए. सेकेंड लाइन जो है वो है ई स्ट्रिंग. थर्ड लाइन डिनोट्स सी स्ट्रिंग एंड फोर्थ लाइन डिनोट जी स्ट्रिंग. तो टैब्स में जो लाइन है वो यूकुलेले के स्ट्रिंग्स को डिनोट करते हैं. बट यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है. टैब्स में जो फर्स्ट लाइन डिनोट किया जाता है, फर्स्ट स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग, वो सबसे ऊपर रहता है. हालांकि जब आप यूकुलेले बजाओगे तो ए स्ट्रिंग सबसे नीचे आता है. सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग ए एंड देन ई सी एंड जी. तो अगर आप वैसे देखोगे तो टैब्स को एक्चुअली उल्टा डिनोट किया जाता है. तो स्टार्टिंग में वो समझ के लेने में या पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ एवरीथिंग गोज वेल. और टैब्स को हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है, जैसे नॉर्मली हम बुक पढ़ते हैं. जितने भी लाइन आपको टैब्स पे दिखते हैं वो हर एक लाइन पे नंबर्स लिखे जाते हैं. तो ये जो नंबर्स है ये फ्रेट को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0 जो है वो ए लाइन पे लिखा है, तो ए स्ट्रिंग ओपन बजाना है. ओपन बजाना है मतलब फ्रेट पे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्ट्रिंग बजाना है. अगर ए लाइन पे नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको ए स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे उंगली रख के इस स्ट्रिंग को बजाना है, विच विल साउंड लाइक दिस. एंड देन अगर ए स्ट्रिंग पे 2 लिखा है तो आपको सेकेंड फ्रेट पे उंगली रखना पड़ेगा ऑफ ए स्ट्रिंग. 3 लिखा है तो थर्ड फ्रेट एंड सो ऑन. सेम हर एक स्ट्रिंग के लिए होगा. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग विच इज ई स्ट्रिंग. अगर ई पे 0 लिखा है तो आपको ई स्ट्रिंग ओपन बजाना है. ई पे 1 लिखा है तो आपको फर्स्ट फ्रेट पे उंगली रख के ई स्ट्रिंग बजाना है. 2 लिखा है तो सेकेंड फ्रेट पे उंगली रख के ई स्ट्रिंग बजाना है. 3 लिखा है तो थर्ड फ्रेट पे उंगली रख के ई स्ट्रिंग बजाना है. और सी और जी के लिए भी सेम होगा. सो इट्स वेरी इजी. लाइंस स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं, नंबर्स जो है वो फ्रेट को डिनोट करते हैं. और अगर कोई स्ट्रिंग पे कोई नंबर लिखा है तो आपको उस स्ट्रिंग के उस पर्टिकुलर फ्रेट पे उंगली रख के वो स्ट्रिंग बजाना है. इट्स दैट ईजी एंड दैट सिंपल. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, टैब्स में जो स्ट्रिंग्स का रिप्रेजेंटेशन है वो आइदर डॉटेड लाइन या स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. नाउ लेट्स टेक अ सॉन्ग एज एन एग्जाम्पल. अब मैं बताने नहीं वाली कि ये सॉन्ग कौन सा है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे. ओके, इट्स अ ग्लोबल वेरी वेल नोन सॉन्ग. नाउ अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो सी स्ट्रिंग पे 0020 लिखा है. इसका मतलब है सी स्ट्रिंग मतलब थर्ड स्ट्रिंग 1 2 3. थर्ड स्ट्रिंग आपको 2 बार ओपनली बजाना है. 0 का मतलब है ओपन, तो इसको 2 बार आपको सिर्फ ऐसे ही बजाना है बिना कहीं हाथ रख के, फ्रेट पे बिल्कुल हाथ नहीं रखना है. देन कम्स 2 एंड 0. तो 2 का मतलब है सी स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट पे आपको उंगली रख के स्ट्रिंग दबाना है और देन यू हैव टू प्ले इट. एंड लास्ट इज अगेन ओपन, तो बिना हाथ रख के. तो अगर साथ में बजाओगे उस पीस को तो वह ऐसे सुनाई देगा.
ओके उसके बाद है ई स्ट्रिंग पे 1 and 0 तो सबसे पहले ई स्ट्रिंग कौन सा है ये वाला स्ट्रिंग तो इस स्ट्रिंग को अपने को बजाना है एंड 1 लिखा है तो 1 मतलब फर्स्ट फ्रेट पे आपको उंगली रखना है एंड यू हैव टू प्ले ई स्ट्रिंग एंड देन ओपन तो हाथ निकाल दिया कहीं पे भी हाथ नहीं रखना है एंड अगेन यू हैव टू प्ले स्ट्रिंग ई तो स्टार्टिंग से पूरा पीस कैसे बजेगा आई होप आपने अब तक सॉन्ग गेस कर लिया रहेगा कि ये कौन सा सॉन्ग है मूविंग ऑन अगेन सी स्ट्रिंग पे 0020 तो सेम जो पार्ट है वो रिपीट होगा ओके एंड लास्ट इज ई स्ट्रिंग पे 3 and 1 तो ई स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट एंड देन 1st फ्रेट एंड द होल पीस ऐसे सुनाई देगा Got it? It's a happy birthday song. इसके आगे का जो पार्ट है सॉन्ग का that will be your exercise. So you have to learn and play tabs. और अगर आप बजाते हो let me know in the comments below कि आपको tabs समझ में आए हैं या नहीं और बजाते आ रहे हैं या नहीं. If you have any questions, don't hesitate to mention it in the comments down below. And I'll see you guys in the next video. So, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and share this video with your friends. I'll see you guys next time. Bye.